डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई शामिल होने चाहिए। चलिए जानते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के बारे में। ईसीआई एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। ये 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार स्थापित किया गया था, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। ये निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन से जुड़े प्रावधान हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। अनुच्छेद 324(2) इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। और आखिर में बात पदमुक्ति की। ये कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए सदन में उपस्थित 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी अन्य आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन दो है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।